नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि हम हर पोर्टल के हर न्यू अपडेट से अवगत होते जाते हैं, उसी के तारतम्य दोस्तों आज हम मनरेगा पोर्टल पर साइन बोर्ड के बारे में देखेंगे। किस तरह से अमृत सरोवर जो हमने कार्य किए अमृत सरोवर से रिलेटेड, उसमें किस तरह से साइन बोर्ड लगाना है, दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे हम, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में किस तरह से बनाना है, कितने भाई कितने का बनेगा, क्या क्या लिखाएगा उस पे। तो कहीं किसी स्टेट में दोस्तों इंग्लिश में बनता है तो इंग्लिश में भी दिखाऊंगा और हिंदी में भी दिखाऊंगा, तो और उसको पीडीएफ भी यहां पर अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप डाउनलोड करके आसानी से उस तरह से आप अपने ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर कार्य का या फिर किसी भी कार्य का है ना, ग्रेवल रोड या कोई सा भी मनरेगा से रिलेटेड कार्य है उसमें आप उस तरह से साइन बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं जो जीरो से सीख रहे हैं और वो भी कार्य करना चाहते हैं तो उनको भी प्रत्येक जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। हो सकता है कई लोगों को ये साइन बोर्ड पता हो, लेकिन मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो आपको पता है आपको क्या टाइप करना है, narega.nic.in URL में टाइप करना है, और गूगल सर्च में आप सीधे नरेगा लिख सकते हैं या मनरेगा लिख सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से होम स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम मेन आदेश देख लेते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है, सभी स्टेट के लिए है, सभी स्टेट के दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो अमृत सरोवर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट महात्मा गांधी नरेगा डिवीजन से निकला है, 29 जून 2022 को ही निकला है। टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज प्रिंसिपल सेक्रेटरीज सेक्रेटरीज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर मिशन अमृत सरोवर कमिश्नर महात्मा गांधी नरेगा ऑल स्टेट्स यूटी एक्सेप्ट यूटी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। सब्जेक्ट है कॉमन साइन बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी एंड लोगो फॉर अमृत सरोवर। ठीक है, अमृत सरोवर के जो कॉमन साइन बोर्ड जो बनेगा सभी जगह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में और लोगो उसके संबंध में है। तो मैडम सर, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट एज पर द पैरा 6.3.11 ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ मिशन अमृत सरोवर टू मेक द ओकेशन एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड विल ऑल्सो बी पुट अप एट एवरी अमृत सरोवर इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्क विल बी अवेलेबल टू द पब्लिक। तो क्या है कि जो अमृत सरोवर हमारे कार्य चल रहे हैं उस पर जो बोर्ड लगेगा, जो उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी वर्क से रिलेटेड सारी पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए, तो उसी के संबंध में है। इंफॉर्मेशन बोर्ड विल हैव ए कॉमन साइनेज बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज बता रहे हैं 5 फीट हाइट 4 फीट विर्थ, मतलब हाइट में रहेगा 5 फीट और विर्थ में रहेगा चौड़ाई में 4 फीट। ठीक है, 5×4 है ना, लंबाई 5 फीट चौड़ाई 4 फीट एंड कॉमन लोगो, और लोगो भी हम देखने जा रहे हैं। द डिजाइन ऑफ बोर्ड एंड लोगो इज अटैच्ड हियर विद फॉर फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन, अटैच है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। द पैरा 6.3.11 में बी ट्रीटेड एज रिवाइज अकॉर्डिंगली। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव कॉमन साइनेज बोर्ड एंड लोगो एज पर द टेम्पलेट अटैच फॉर एवरी अमृत सरोवर साइट, मतलब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों यही साइनेज बोर्ड सभी जगह लगेगा, प्रत्येक स्टेट में जहां जहां भी अमृत सरोवर के कार्य हुए हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में यही साइनेज बोर्ड लगाना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो आप प्रिंट करके अपने पेंटर को बता सकते हैं कि बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ही करना है। दिस इश्यू विल द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट यूर्स फेथफुली। ठीक है, डायरेक्टर महोदय द्वारा निकाला जा चुका है आदेश, कॉपी भी दी जा चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों जो प्रारूप है पूरा वो देखते हैं। अमृत सरोवर के लिए स्थापना पटल का प्रतिरूप, तो किस तरह से प्रतिरूप रहेगा दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से पूरा साइनेज बोर्ड रहेगा, 75 जो वर्ष चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये पूरा लोगो रहेगा, इधर अमृत सरोवर का लोगो रहेगा, और ये डिज़ाइन भी पूरी इस तरह से ही बनाना है। ठीक है, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप प्रिंट कर लेंगे आसानी से। और ये देखिए, ये पूरा लिखवाना है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ अमृत सरोवर अभियान के तहत पंचायत तालुका, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है तालुका जो भी है उसका नाम लिखना है, में अमृत सरोवर की स्थापना। ठीक है, ये है, फिर हमें क्या क्या लिखना है मैं इसको भी पूरे थोड़े से छोटे रूप में दिखा दूंगा, पहले मैं पूरा दिखा देता हूँ। कार्य का नाम, कार्य का नाम पूरा लिखना है, जैसे कि ग्राम पंचायत जहाँ भी है कि अमृत सरोवर इस स्थान पर अमृत सरोवर कार्य का निर्माण कार्य है ना, कार्य पहचान विवरण, पहचान उसके क्या क्या पहचान है, कहाँ कौन से जगह पे है, जो भी आप ने लिखा हो TSAS में वो पूरा पहचान विवरण लिखते हैं, किस तरह से पहचाना जाएगा, मान लीजिए शंकर मंदिर के पास है या कोई से भी स्पेशल जगह पर है तो वो लिख दें। कार्य प्रारंभ होने की तिथि, ये तिथि लिख दें किस दिन से प्रारंभ हुआ है, कार्य समाप्त होने की तिथि, योजना द्वारा वित्त पोषित है ना, योजना द्वारा वित्त पोषित, तो यहाँ दो चीज लिख सकते हैं।
एक तो पूरी योजना का नाम लिख सकते हैं मनरेगा, और इसके बाद जो जितना अमाउंट आया है इस कार्य के लिए उसके पूरी जो है अमाउंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, लाख में लिख सकते हैं, लाख में लिख सकते हैं, व्यय रुपए में, व्यय कितना हुआ है उसमें से वो पूरा रुपए में लिखना है, सरोवर का क्षेत्रफल एकड़ में, एकड़ में लिखना है सरोवर का क्षेत्रफल, जो अमृत सरोवर बनाया है उसका क्षेत्रफल लिखना है एकड़ में, सरोवर की लंबाई कितनी है वो लिखना है मीटर में, ठीक है। क्रियान्वित करने वाली संस्था का नाम, जैसे संस्था कौन क्रियान्वित कर रही, कौन ने एग्जीक्यूट कराया, कौन ने बनाया है, तो वो यहाँ नाम लिखा जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, सरपंच ग्राम पंचायत, है ना, तो इस तरह से वो पूरा नाम और संपर्क पूरे जो है ग्राम पंचायत के जो, जैसे नाम और संपर्क राज्य और नागरिक पर्यवेक्षक अमृत सरोवर, ठीक है। तो क्रियान्वित करने वाली संस्था का नाम और उनका नाम और संपर्क लिखना है, सरपंच महोदय और सचिव महोदय जैसे हैं तो उनका पूरा नाम और उनका संपर्क मतलब मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है 4 फीट चौड़ाई में और इधर मतलब 4 फीट या 4 फीट से ज़्यादा, है ना, 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए चौड़ाई, और लंबाई जो है 5 फीट या 5 फीट से ज़्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये 20 डिग्री के एंगल से यहाँ पर मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा फॉर्मेट है। अब मैं इसी को इंग्लिश में दिखा देता हूँ। सैंपल ऑफ फाउंडेशन बोर्ड ऑफ अमृत सरोवर, ये देखिए इसमें भी 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव अमृत सरोवर इस तरह से लिखाएगा। फाउंडेशन ऑफ अमृत सरोवर इन जो भी आपकी पंचायत या तालुका है, अंडर मिशन अमृत सरोवर लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस तरह से ही करना है। बॉक्स भी बनाना, नेम ऑफ द वर्क, उसकी वर्क आईडी, वर्क कोड जो है वो लिखना है, स्टार्ट डेट ऑफ वर्क, फिर एंड डेट ऑफ वर्क, फिर फंडेड बाय द स्कीम्स तो जो है मनरेगा, और कितना अमाउंट आया, एक्सपेंडिचर कितना हुआ रुपए में, वो एरिया ऑफ सरोवर इन एकड़, लेंथ ऑफ सरोवर इन मीटर, नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी जैसे ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत जो भी आपकी रहे या जैसा भी आप लिखते हैं उनके नाम और कॉन्टैक्ट, नेम एंड कॉन्टैक्ट, स्टेट एंड सिटीजन सुपरवाइजर अमृत सरोवर, यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल 5 फीट जो है हाइट रहना चाहिए और ग्रेटर देन आर इक्वल 4 फीट विड्थ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों मैंने आपको दिखाया, तो ये देखिए इस तरह से रहेगा, है ना, मैंने उसको स्माल करके दिखा दिया, अमृत सरोवर के लिए स्थापना पटल का प्रतिरूप, तो इस तरह से रहेगा दोस्तों, ये पूरा आपको दिख रहा है। इसी तरह से इंग्लिश में ही दिखा देता हूँ मैं, तो ये पूरा रहेगा, है ना, मैं इसकी PDF भी आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार हर छोटी से बड़ी जानकारी से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।